पीएम मोदी ने अपने भाषणों में 130 करोड़ देशवासियों से कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 56 इंच का सीना चौड़ा करके सौगंध खाने वाले और विजयी दंभ भरने वाले शायद यह भूल गए कि जब मुकाबला बराबरी वालों के साथ होना हुआ तो सारी हेकड़े निकल गई। कहाँ गई वो सौगंध? रात दिन पाकिस्तान पर विजय दंभ भरने वाली की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है, लेकिन न तो मोदी सरकार और न ही उनकी पालतू मीडिया ने देशवासियों को बताया, परंतु चीनी सैनिक 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई यह सभी गोदी मीडिया ने जोर शोर से दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लेकर मुखर रहने वाली भारतीय सेना चीन पर क्यों चुप रहती है? लद्दाख में कथित चीनी घुसपैठ पर मोदी खामोश क्यों हैं? ये सवाल देश की 130 करोड़ जनता पीएम मोदी से जानना चाहती है। कहां गई उनकी सौगंध? इस पर न केवल मोदी बल्कि गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री समेत पूरी सरकार खामोश है। आज देश यह जानना चाहता है कि भारत आक्रमण का जवाब आक्रमण से क्यों नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर जिस तरह से मोदी सरकार खुलकर बोलती है, उसी तरह चीन के आक्रमण पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? पाकिस्तान को सबक सिखाकर खुद अपनी पीठ थपथपाने वाले ये राजनेता आज किस बील में घुस गए हैं? आपको बता दें कि गलवान घाटी के 2 जगहों में से एक इलाका है, फोर फिंगर में अभी भी चीनी सेना डटी हुई है। सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी के अनुसार मोदी ने सालों तक चीन को खुश करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मोदी को भारतीय क्षेत्र में एक और चीनी अतिक्रमण मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।